हेलो सलाम सताल आप सारदा की हाल चाल आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो अंत तक देखें आपने पहले की शॉर्ट्स में देख लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ शायद आप लोग जानते भी हो लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आज तक कभी नहीं देखे कि, कि किसी ने डाले हो तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के तो हमारा पहला क्वेश्चन है इंटरकॉम होता क्या है वॉट इज़ इंटरकॉम होटल्स में आपने अक्सर देखा होगा कि जो एक डायरेक्टरी होती है होटल्स में ऑफिसेज में जिसमें आप क्या होता है आपको अगर सेम अपनी ब्रांच में कॉल करना हो तो आप डायरेक्ट इंटरकॉम के थ्रू कर सकते हैं सेम एज इट इज बाइकिंग में भी यही होता है राइडिंग में भी यही होता है कि अगर आपका एक ग्रुप जा रहा है और आपको बिना कॉल कर अगर किसी से बात करनी है कन्वे करना है अपना मैसेज तो आप वॉकी टॉकी की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम इंटरकॉम हमारा दूसरा क्वेश्चन है कैन वी यूज इट एज अ नॉर्मल ब्लूटूथ डेफिनेटली इट कैन बी यूज एज अ नॉर्मल ब्लूटूथ चार तरीके के इंटरकॉम आते हैं एक होता है सिर्फ इंटरकॉम होता है एक होता है ब्लूटूथ इंटरकॉम होता है जिसमें आप कॉल्स अपनी अटेंड कर सकते हो साथ साथ आप इंटरकॉम भी यूज कर सकते हो तीसरे तरीके का क्या होता है तीसरे तरीके का होता है जिसमें एफ रेडियो भी होता है बाकी दो चीज़ें तो हुई हुई चौथा तरीका क्या होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लूटूथ मिलता है तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट या फिर ऑफलाइन में जाके देख सकते हैं आपको क्या चाहिए आपकी राइट चॉइस क्या है तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो वो है व्हाट फोन्स डिवाइसेस आर सपोर्टेड जो भी फ़ोन जो भी डिवाइस जिसमें ब्लूटूथ है वो सपोर्ट करता है बींग इट अ मोबाइल फ़ोन बींग इट एन आई पॉड आई पैड एनी थिंग जहाँ पर आप अपना मीडिया कंटेंट प्ले कर सको ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप राइड कर रहे हो तो आपको सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे ही बात करनी है आपको गाने भी सुनने होते हैं आई हाईली रिकमेंड कि आप गाने चलाते हुए ना सुने लेकिन आप सुनते तो हैं ही तो आप ये भी कर सकते हैं इसके अंदर तीस चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं इज़ इट बेटर दैन बलूटूथ डिवाइस और एयरफोन्स ट्रस्ट मी आई हैव सैमसंग गलेक्सी बर्ड्स बड्स लाइव है मेरे पास दस हज़ार के लिए थे मैंने अपार्ट फ्राम इट वाइड अगर मैं इयरफोन्स की बात करूँ तो वाइड एयरफोन्स मेरे पास तीन हैं सैमसंग का ही है एक इसी के अलावा मेरे पास एक बोट के हेडफोन्स हैं साथ ही साथ मेरे पास एक रिकनेक्ट के भी हेडफोन्स हैं बट अगर मैं राइडिंग की बात करूँ तो जो मेरे को कम्फर्ट यहाँ पर मिलता है माइक क्वालिटी का उसका मैं आपको दावा कर सकता हूँ अगर इस इस प्रोडक्ट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एंड ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दावा करता हूँ मैं अगर इससे बेटर अगर माइक क्वालिटी अगर आपको अपने ईयरफोन्स में मिल गई तो मैं आपको पूरा पैसा रिटर्न करूँगा इसका चलो बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आई एम नॉट अ राइडर शुड आई बाय जरूरी नहीं है अगर आपको लंबी राइड्स पर ही जाना है तभी आप खरीदें अगर आप नॉर्मली ऑफिस ऑफिस के लिए भी जाते हैं ऑफिस से आते हैं अगर आप एक जोमेटो की डिलीवरी करते हैं अगर आप स्विगी की डिलीवरी करते हैं अगर आप डिलीवरी बॉय हैं या फिर अगर आप दिन में आधा घंटा भी अगर अपना राइड करते हैं चाहे स्कूटी हो बाइक हो कोई भी टू व्हीलर हो तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है क्यों क्योंकि आपको एक तो लीगल है ये अगर आप इयरफोन जाकर चलाते हैं गाने सुनते हो अगर पकड़े गए तो चलान कटेगा ही कटेगा ऊपर से अनसेफ है बिकॉज आपकी साउंड सारी आइसोलेशन हो जाती है यहाँ पे आइसोलेट नहीं होती है बस अपार्ट फ्रॉम इट इसकी बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं, 10 से 12 घंटे का इजीली बैटरी बैकअप देता है कंटिन्यूस मैंने गाने सुने हैं इस पर दस घंटे तक जब मैं डेली टू हिमाचल जा रहा था जो मेरी लास्ट राइड थी बैटरी बैकअप बहुत ज़बरदस्त है आपको बस घर पर आगे चार्ज करना है जैसे आप नॉर्मली चार्ज करते हो ट्रस्ट मी वर्थ बाय है अगर आपको तीन चार हज़ार का भी मिलता है अगर सस्ते से सस्ता भी मिलता है वो भी आप ले सकते हैं मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप यही लो आप कोई सा भी इंटरकॉम लो लेकिन अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो आपके लिए इंटरकॉम ज़रूरी है आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं पसीना भी बहुत आ चुका है बिकॉज 43 डिग्री टेम्परेचर बाहर बाहर शूट कर रहा हूँ मैं कैन आई यूज़ इट विद नॉर्मल हेलमेट देखिए हेलमेट का ज़रूरी नहीं है इसमें अगर आप हेलमेट नॉर्मल भी यूज़ करते हैं जैसे मेरा ये फिलहाल मेरे पास एस का हेलमेट है एस एम के ग्लाइड इसमें क्या है ये फ्लिप ऑफ हेलमेट है इसलिए मैंने इसको खोल के रखा है क्योंकि अगर आप देखोगे इसको अगर आपके पास फ्लिप ऑफ हेलमेट है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास फुल फेस हेलमेट है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं आपका हेलमेट होना चाहिए आई एस आई सर्टिफाइड आप इसको यूज़ कर सकते हैं हर एक हेलमेट में होता है अगर आप चाहते हो कॉमेंट में बता देना मैं इसकी इंस्टॉलेशन भी आपको करके दिखा दूंगा तो फिलहाल इस वीडियो के लिए यही था शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखी है मैंने अगर वीडियो पसंद आए अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे क्योंकि मैंने ऑफलाइन खरीदा था तो मेरे पास कोई एफिलियट लिंक भी नहीं है कि जिससे मैं कमा सकता इसके आइटम पर सो so, एक मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था हाँ बीच में अगर मैं V6 की बात करूँ जो मेरे पास अभी है इस आइटम की अगर बीच में इसकी क्वालिटी की बात करूँ माइक क्वालिटी इससे बेस्ट मेरे को कहीं पर नहीं मिली इवन जो कंडेंसर माइक होता है जो मैं अभी यहाँ पे लगा के बैठा हूँ उसकी भी क्वालिटी इससे बेटर नहीं है सेकेंडली हाईवेज़ पे जो फ्लाई ओवर होते थे फ्लाई ओवर पर एक दो बार इसने क्या करा गाने चलते बीच में रुक गए दो से दो तीन सेकंड के लिए जैसे अटकता है ना ब्लूटूथ मे बी ब्लूटूथ वर्जन पुरानी है या फिर क्या है वो अगर आपको पता हो तो कॉमेंट में बता देना मेरे को अपार्ट फ्रॉम इट इंटरकॉम सिस्टम बहुत ज़रूरी है एंड वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है ये चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए टाटा बाय -टा, बाय